एक मिनट। थोड़ा सा दादा आप ये से जो प्लीज प्लीज मैम यहाँ पे श्रद्धा मैम श्रद्धा जी यहाँ पे या मैम सामने यहाँ पे एक बार श्रद्धा जी एक मैम यहाँ पे मैम स्ट्रेट मैम श्रद्धा जी एक सेकंड आदि यहाँ पे एक फोटो बस बस भाई यही आदि यहाँ सामने यहाँ पे आदि 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 एक सेकंड ना एक सेकंड एक शबाना जी ये सामने जी मैम आराम या मैम शबाना मैम यहाँ पे एक्सक्यूज मी यार प्लीज आप अभी हेलो बॉस आप बाद में अभी ये लास्ट फोटो हट जाओ यार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कब से यार मैम थैंक यू मैम एक सेकंड करण सर एक सेकंड करण सर जरा बैठो करण सर सो स्ट्रेट सर करण सर सर यू राइट सर करण सर राइट करण सर चलो जाने करण सर थैंक यू आइए करण सर हाउ इज द मूवी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ओके जानू आई एम वेरी एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद मणिरत्नम शाद इज मेड अ ग्रेट अडैप्टेशन ऑफ ओके कनमणि आई थिंक जब आप पिक्चर देखोगे आई थिंक एवरीबडी वुड बी वेरी एंटरटेन्ड विल फॉल इन लव विद द कपल इट्स अ लव स्टोरी इट स्टार्ट्स द वी आर स्टार्टिंग द ईयर विद दिस फन यंग कंप्लीटली रिलेटेबल यंग स्टोरी एंड इट्स अ लव स्टोरी जो आई थिंक इवन पीपल ऑफ अ सीनियर जनरेशन कैन एंजॉय बिकॉज देयर इज अ ट्रैक वेयर एक्चुअली इट मेक्स द फिल्म मोर आई वुड से रिलेटेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंसेस वेरी एक्साइटेड आई एम गोइंग अप टू सी ऑल द रिएक्शंस राइट नाउ थैंक यू सो मच करण मैम कैसी लगी मूवी ओके जानू बहुत अच्छी लगी म्यूजिक बहुत अच्छा है परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं इट्स अ यंग फन लव स्टोरी आई थिंक एवरीवन्स गोना एंजॉय इट्स ऑल द बेस्ट टू द टीम आफ्टर शाहरुख खान जो रोमांटिक रोमांटिक मूवी बनती थी आप कंपेयर क्यों करते हैं मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी बस सिद्धार्थ सर आप क्या कहेंगे सर सी आई एम बायस्ड यार बट आई लव्ड इट आई रियली लव्ड इट आई थॉरली एंजॉयड इट सॉन्ग्स की बात करें आप दोनों से जानना चाहेंगे जो पुराने सॉन्ग्स है उसको रिमिक्स करके बनाया गया है और थोड़ा सा उसको ट्रेंड भी हो रहा है क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आई थिंक हम्मा जब निकली थी तब भी बहुत अच्छी लगी थी जी इसमें एक नया फ्लेवर है जो बहुत अच्छा लगा और उन बोथ द वे इट्स कोरियोग्राफ्ड इज आल्सो वेरी डिफरेंट इन बोथ द फिल्म्स बहुत मजा आया सेम ओके थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच मैम या थैंक यू मैम प्लीज मैडम मैडम वी आर होल्डिंग अप द ट्रैफिक पीछे ना यार तू पूरी माँ बहन दोस्त तेरे को एक बार समझ में आता है कि नहीं आता है मेरे को एक बार लास्ट बार बता दे तू समझ में आता है एक बार तुमको कि नहीं आ रहा है उधर ही बीच में आ रहा है तू बाप अरे चले गया मैं ऑफिस पीछे तुरंत ये बाकी लोग भी समझ में इनको नहीं लास्ट फोटो लास्ट ऐसा क्या लास्ट फोटो सर इसको गो समवेयर पर समझो आप लोग प्लीज सॉरी सर को कहीं जाना है बेटा प्लीज
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपके राइट में एक यहाँ पे मैडम, यहाँ पे आपका राइट। थैंक यू। साथ में साथ आइए मैम। वेट द राइट साइड बुलेट। हां तो भाई जरा सा। थैंक यू। How was the movie, sir? Any review you want to give it? It was an emotional moment for me because watching Aditya and Shraddha after Aashiqui 2. Yeah. The kids who originated from my film. It was very exciting to see that they have both come a long way. They performed brilliantly. The chemistry which started with Aashiqui 2 continues here. So I'm very happy to see them grow as actors and perform so refreshingly well. आप क्या मानते हैं कि जो न्यू कमर्स है वो एक ट्रेंड सेटर बन चुके हैं आज के जनरेशन के लिए, जो लव सीन्स होते हैं, जो रोमांटिक सीन्स होते हैं, जो जो आज ये फिल्म में जो सीन कैप्चर की है, इट इज़ वेरी टुडेज फिल्म। या इट कनेक्ट्स विद द यूथ ऑफ टुडे एंड आई फील द यूथ विल कैरी दिस फिल्म अ बिग वे। एंड द सॉन्ग्स, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द सॉन्ग्स, लाइक जो सॉन्ग्स होते हैं जो वेल वन सॉन्ग आई लाइक, बट इफ आई वाज द प्रोड्यूसर द म्यूजिक वुड हैव बीन बेटर। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर। ओके बाय। या सर इधर इलेक्ट्रॉनिक के लिए। सर 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 रियली नाइस सर। जो उनकी रोमांटिक फिल्म की बात करें, जो वेरी गुड केमिस्ट्री बिटवीन सॉन्ग्स की बात करें, तो जो पुराने सॉन्ग्स है उसको रिमिक्स करके बनाया जा रहा है उसपे, ऑल्सो वेरी गुड एंड द न्यू सॉन्ग्स इज वेल। And what do you think about the trend, like jo newcomers se wo ek trend set kar rahe hain romantic films? Yeah, the whole the grammar is different. It's today's film. Yeah. And I'm sure all the youngsters and everyone, even the elders, will like it. Thank you so much, sir. Thank you. Abhi left mein. Abhi left mein. Thank you, ma'am. Thank you. Visual. Ma'am, ek minute. Ma'am, ek one minute. विजुअल लेना, बुलेट रुकेंगे नहीं है। सब एसटील वाले हैं ये वीडियो। थैंक यू। आ जाइए आ जाइए। बार बार सर सामने पे सर एक अरे दादा रुको, साइड ये साइड में बहुत उमदा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, मज़ेदार फिल्म है, प्यारी फिल्म है और हम सब लोगों के लिए उसमें सबक भी है। मैम जो पुराने गाने हैं उसे रिमिक्स करके नया बनाया गया है, तो वो गाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बुलेट भाई थोड़ा पीछे लो ना कैमरा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। It was shot really well. It actually, which camera should I look at? It actually made me fall in love with Bombay again. It was shot really beautifully. The chemistry, yeah, it's beautiful. Both of them were really, really good. I liked it. Sweet, sweet love story. Thank you. Thank you.
थोड़ा सा वायर संभाल रहा हूं यार। सर सर एक स्टेप पीछे आना। अरे यार ये बुलेट मत भाई, वन स्टेप बैक प्लीज सर, थैंक यू सो मच। कम क्लोज सामने सामने, थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी मैम, यहां पे मैम थोड़ा इस साइड आइए ना। बुलेट यहां देखिए ना प्लीज, जरा नो मैम। लुक योर लेफ्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर हाउ वाज द मूवी सर रिव्यू? सर इट वाज अ फ्रेश, एक अलग तरीका था जो नॉर्मल फिल्म से अलग हट के था। उसका नैरेटिव बहुत अलग था और तुम्हारा फोन की सिटी बज रही है और द साउंड ट्रैक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह से साउंड को रहमान ने यूज़ किया बैकग्राउंड एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एक फ्रेशनेस थी इसके नॉर्मल नैरेटिव से अलग था, तो मुझे वो अच्छा लगा। जो एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से फिल्म प्रोसीड नहीं करती है, सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एंजॉयड। और काम अच्छा किया दोनों ने बहुत। जो न्यू जनरेशन है वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं रोमांटिक फिल्म्स के ऊपर। नहीं रोमांटिक फिल्म्स हैं, बट अभी रोमांस में भी आप किस तरह से अपने आप को अलग कर सकते हैं दूसरे जो क्राउड से, तो री इन्वेंट करना या क्राउड से अपने आप को अलग करना, वो तरीका डायरेक्टर को तैयार करना पड़ता है थ्रू नैरेटिव थ्रू म्यूजिक। तो आई थिंक वो इसमें अचीव हुआ है, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। द मोस्ट बेस्ट पार्ट इन द मूवी सर? द बेस्ट पार्ट मतलब मोमेंट्स थे अलग अलग, नसीर भाई के बहुत प्यारे मोमेंट्स थे और ये लड़का लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत अच्छा काम किया, बहुत डायरेक्टर ने संभाल के चला। इट्स अ डायरेक्टर्स फिल्म एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। द ओल्ड सॉन्ग अभी जो नए सॉन्ग उनमें तब्दील हुई है रिमिक्स कर, हम्मा हम्मा वेरी गुड गुड रिमिक्स एंड सिचुएशन के साथ जाती है एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कोरियोग्राफ्ड आल्सो। सो सर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी छोड़ो, अभी मस्त बात करते हैं।